हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी साई प्रसाद और साई प्रकाश निवेशक साथियों का हमारे स्ट्री न्यूज चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपके कमेंटों के माध्यम से हमारे पास अनुरोध आ रहे थे कि सर हमारी साई प्रसाद और साई प्रकाश कंपनी की न्यूज़ दिया करो, तो दोस्तों काफ़ी विलंब से हमें कोई न्यूज़ नहीं मिल पा रही थी। दोस्तों अब जाकर आपके पैसे देने की एक बड़ी न्यूज़ हमारे पास आई है। तो चलिए दोस्तों आपको न्यूज़ सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों न्यूज़ सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि दोनों कंपनी की क्या बड़ी न्यूज़ है। आइए दोस्तों, सेबी पिछले 2 साल से समूह की कंपनियों और उसके निदेशकों की संपत्तियों की बिक्री कर रहा है। इसके अलावा नियामक सेबी ने साई प्रसाद समूह के आभूषण, जेवरात व अन्य मूल्यवान सामान को बिक्री के लिए रखा है। सेबी ने अलग से एक नोटिस जारी किया है जिसमें मध्य प्रदेश के 90 और उड़ीसा की 62, महाराष्ट्र की 46 संपत्तियों की 47 करोड़ रुपए से अधिक की आरक्षित मूल्य पर नीलामी 22 नवंबर को होगी, जिस पर 22 नवंबर को हो चुकी है। जिन कंपनियों की संपत्ति की नीलामी होगी उनमें साई प्रसाद कॉरपोरेशन, साई प्रसाद प्रॉपर्टीज एंड साई प्रसाद फूड शामिल है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर सुनिए, साई प्रसाद कॉरपोरेशन, साई प्रसाद प्रॉपर्टीज और साई प्रसाद फूड शामिल है। इसके अलावा कई कंपनियों के निदेशक बाला साहेब भापकर, संशाक भापकर और वंदना भापकर की संपत्तियों की भी नीलामी की जाएगी। समूह की जिन संपत्तियों की नीलामी होने हैं उनके 3 राज्यों में कृषि भूमि, जमीन के टुकड़े, कार्यालय स्थल और वाणिज्य के स्थल शामिल है। नियामक ने बोली लगाने के लिए इच्छुक इकाइयों को कहा है कि स्वतंत्र होकर हड़ताल करें, सॉरी दोस्तों, स्वतंत्र होकर संपत्तियों की खुद जांच पड़ताल करें। हालांकि समय सीमा में हजारों करोड़ रुपए की वसूली साई प्रसाद समूह की कंपनियों के खिलाफ कई आदेश पारित किए गए हैं। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, उसके बगल में जो हमारा ज्वाइनिंग बटन है ज़्यादा जानकारी के लिए उस बटन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।